गुजरात की 160 जो है भारतीय जनता पार्टी ने उनके कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो जारी कर दिया है। उसमें सूरत के पूर्व विधायक जो थे जो ऑलरेडी पहले से विधायक रह चुके हैं और दूसरी बार जो है उनको सीट जो है यहाँ पर दी गई है। और आज अरविंद राणा खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर पहुँचे हैं। क्या कुछ इस बार जो है गुजरात विधानसभा का चुनाव कितना टफ रहेगा और आप पिछले 5 सालों में आपने क्या कुछ काम किया जिसको लेकर दूसरी बार वहाँ की जनता आपको वोट करेगी? अरविंद, ये इलेक्शन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस पार्टी है, उसके सामने हम ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप पार्टी जो है वो आप पार्टी मीडिया की पार्टी है, सोशल मीडिया की पार्टी है, वचन देने वाली पार्टी है, गुजरात की प्रजा उसे अच्छी तरह से जानती है। तो वो गुजरात की प्रजा आने दिन में वो बता देगी कि ये जो गुजरात है ये गुजरात के ऐसा साला वचन देने में काम काम देंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने कल रात को 12 बजे तक जो है मंथन चलाया जिसमें सेकेंड टर्म्स में आपको जो है आपको सीट वापस देने की जो है कहीं ना कहीं सोचा है, तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी ने जिस विश्वसनीय पार्टी को, जिस विश्वसनीय विधायक को आपको वापस चुना है, क्या लगता है कितना इसमें मुश्किल रहा होगा इस पूरे में? भारतीय जनता पार्टी ने 2070 में मुझे टिकट दिया था और हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं के बल बूते पर हम 13,000 वोटों से जीते थे और विधानसभा में ये कमल खिला था। अभी जो कामगिरी 5 साल में की है हमारे राज्य सरकार की, जो अलग अलग योजनाओं है, ये योजनाओं लोगों तक पहुंचाने की और ये हमारी जो विकास की राजनीति है वो आगे ले जाने की हमारी जो कामगिरी है उसके लिए पार्टी ने दूसरी बार टिकट दिया है। मैं पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व का आभार मानता हूँ और यही जो कामगिरी है वो आगे लेके चले। अरविंद भाई, जिस तरह से आप पूर्व से लड़ रहे हैं, काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों का विरोध भी हो रहा है और सामने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों भी अपोजिट में आपके साथ में, ऐसा क्या लगता है कि इस बार जो है कांटे की टक्कर है, महासंग्राम है, किस विधायक के जो है दिल पर जो है सत्ता का जो है एक सिंहासन लगेगा? यहाँ कोई विरोध नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो कार्यकर्ता है वो सब एक है और कार्यकर्ताओं के बल बूते पर और हमारा प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री सी आर पाटिल साहब ने ये जो हमारी मतदार यादी है वो मतदार यादी में हर पन्ने के ऊपर हमने कमेटी बनाई है, हर पन्ने के ऊपर हमारे कमेटी है और ये कमेटी के आधार पे और संगठन के आधार पे हम बहुत जंगी बहुमति से करीब 25,000 से ज़्यादा मतों से जीते हैं। विधानसभा 2022 का जो है आज भारतीय जनता पार्टी ने उनके 160 कैंडिडेट के जो नाम है वो जाहिर कर दिया है। ऐसे में इस समय सूरत के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर इस समय मैं मौजूद हूँ जहाँ पर आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। आज सूरत पूर्व के जो है कैंडिडेट अरविंद राणा जो है कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे थे और उन्हीं के जो है आप देख सकते हैं ये तस्वीर है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की, जहाँ पर बड़े पैमाने पर उनके कार्यकर्ता जो है यहाँ पर मौजूद है। महिलाएं जो है वो गरबा खेलकर कहीं ना कहीं खुशियों का जो है जश्न मना रही है। यही जश्न जो है 2022 के चुनाव में कहीं ना कहीं एक नई जो है उम्मीद लेकर उधर रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरह से इन महिलाओं को आप देख सकते हैं, ये महिलाओं के जो है कहीं ना कहीं वो खुशी झलक रही है जिस तरह से 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर जो है वो एक अपनी सरकार बनाई थी। इसी वजह से आप देख सकते हैं 2022 का चुनाव है, इसी 2022 चुनाव में सूरत के पूर्व जो है विधायक आपको बता दें अरविंद राणा जो है यहाँ पर थोड़ी देर पहुँचे थे और उनका यहाँ पर भव्य स्वागत हुआ है और उसी स्वागत के उपलक्ष्य में उनके कार्यकर्ता जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। खूब जो है हंसी और पटाखड़े ढोल नगाड़ों के साथ जो है यहाँ पर गरबा खेलते नजर दिखाई दे रहे हैं। उनके फेस पर जो खुशियाँ लहर झलक रही हैं वो कहीं ना कहीं एक बेहद उम्मीद लेकर उतरेंगी। देखना ये होगा कि आने वाले समय में जब वोट होगा तो विकास की कितनी जो है गहराई तक, विकास का कितना जो है विकास का जो मूल मंत्र है वो कितना साबित करेगा। लेकिन खास बात है कि जिस तरह से गुजरात सरकार ने या फिर भारतीय जनता पार्टी की जो गठित टीम है उसने कल जो है 160 विधायकों के लिए जारी किया है, उसमें से अरविंद राणा सूरत के पूर्व कैंडिडेट हैं। पिछले 5 साल जो है उन्होंने उस सीट पर काम किया है, विकास क्या कुछ किया है इस बार जरूर दिखेगा, क्योंकि सामने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है। किस तरह की राजनीति, किस तरह का समीकरण बनता है ये देखने वाली बात होगी। सूरत से
से राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट सूरत।